नशस्त एक है मगर उम्मीदवार दो हैं। इमरान खान के लिए एक और नया इम्तिहान हुमायूं अख्तर के बाद। वलीद इकबाल का भी एनए 131 के लिए इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ दोबारा एनए 131 से कामयाबी हासिल करेगी। वलीद इकबाल ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू की। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ यासिन मलिक से। यासिन बताइएगा। जी चेयरमैन, तहरीक इंसाफ इमरान खान की एन ए 131 से कामयाबी का जश्न कल मनाया जाएगा। लाहौर में जिमनी इलेक्शन के लिए एन ए 131 की नशस्त एक और उम्मीदवार दो सामने आ गए हैं, जो इमरान खान के लिए एक बड़ा इम्तिहान बनकर सामने आ गया है। हुमायूं अख्तर के बाद वलीद इकबाल भी एन ए 131 के जिमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज करने का फैसला कर चुके हैं। वलीद इकबाल एन ए 131 से जिमनी इलेक्शन के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कल एयरपोर्ट रोड डिफेंस में होने वाली इसी जश्न की तकरीब से करेंगे। जश्न इंतखाबी मुहिम के आगाज की तकरीब इस तरीके इंसाफ के रहनुमा कारकुनान और दीकर भी शिरकत करेंगे। वलीद इकबाल के हवाले से कहना था कि तरीक इंसाफ दोबारा एन ए 131 के जिमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। हमारे मुकाबले वो तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं जो आम इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक दूसरे को खुदार और डाकू कहते रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका यासिन मलिक।